आज 14 जुलाई 2023 दिल्ली का मेन रिंग रोड आप देख सकते हैं सामने, ये सामने शांतिवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। ये दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स में से उनके हाथ पर यहाँ पर बड़े अधिकारी आते हैं रहते हैं और हर वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर रहता है। दिल्ली पुलिस के अंडर में है ये। आप देख सकते हैं पानी की सिचुएशन क्या है। जो व्यक्ति कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, आज उन्होंने दिल्ली वालों को छोड़ा हुआ है और कहते हैं कि दिल्ली की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, केंद्र की जिम्मेदारी है। आज नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास है, विधानसभा आम आदमी पार्टी के पास है और दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा में सीना ठोक के कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं। तो इस सब त्रासदी के लिए जो आज ये गरीब जनता आप देख रहे हैं, गरीब जनता यहाँ पर जो खड़ी है, ये घर से बेघर हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दिल्ली का मालिक या भारत का चौकीदार? सवाल है कि दिल्ली का मालिक या भारत का चौकीदार इस चीज के लिए जिम्मेदार है, इन गरीबों के लिए? सामने देख सकते हैं कि क्या हालत है। ये वो एरिया है जहां पर 24 घंटे ट्रैफिक जाम लगा रहता था। आप देख सकते हैं कितना पानी है यहाँ पर और दिल्ली का पॉश इलाका है, रिंग रोड है, जहां पर एक मिनट के लिए भी ट्रैफिक नहीं रुकता था, लेकिन सिचुएशन आप देख रहे हैं। आम जनता वहां खड़ी हुई है, जनता परेशान है, अपने घरों को नहीं जा सकते और अपने काम को नहीं जा सकते। मैं दिल्ली के मालिक से सवाल करना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, दिल्ली का मालिक या भारत का चौकीदार? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।